सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे अदानी व्यूमर के बारे में। मैंने कल वीडियो बनाकर बताया था कि आज पॉजिटिव ही रहेगा अदानी व्यूमर का शेयर, और वैसा ही हुआ। आज आपने देखा होगा जब ये खुला था तो 595 तक गया था, बाद में इसने लो भी बनाया था 540 रुपीज़ का, बट बाद में क्लोज हुआ 577 में। आज देखा जाए तो निफ्टी में तेज़ी थी, पर तेज़ी ज़्यादा सस्टेन नहीं हो पाई, फिर से नीचे आ गया निफ्टी, बट पॉजिटिव क्लोज हुआ। और हमारा अदानी व्यूमर का शेयर भी 540 तक लो बनाकर फिर से रिकवर हो गया। मतलब मैं कह रहा हूँ आपको, जो मैंने बार बार बताया था कि 550 का इसका जो स्ट्रांग सपोर्ट है उसको ये रिस्पेक्ट करके ऊपर ही जा रहा है, उसको सस्टेन कर रहा है, यही बड़ी हमारे लिए पॉजिटिव बात है कि एक तरह से इसने वो 550 का एक स्ट्रांग सपोर्ट बना लिया है, जिसके कारण आप में से काफ़ी लोग जो डर रहे थे कि 400 तक चला जाएगा, 450 तक चला जाएगा, तो उसको डरने की वजह नहीं है, क्योंकि ये 550 के आसपास घूम रहा है। आज भी 1.50% के आसपास इसमें तेज़ी देखने को मिली, प्लस पॉइंट देखने को मिला। NSE में अराउंड 25 लाख 50,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं, और BSE पे हुए हैं 5,50,000 शेयर्स। सो ऑल टुगेदर 31 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं आज अदानी विलमर के BSE और NSE मिला के, जिसको मैं कहूँगा कि एक रिस्पेक्टेबल वॉल्यूम है। जबकि ये ASM स्टेज 4 में है, तो आज आप बाय करोगे तो आप बेच नहीं पाओगे। उसके बाद में बावजूद भी लोग बाय कर रहे हैं, मतलब लोगों को कॉन्फिडेंस है आगे के लिए इसका रिटर्न अच्छा आने वाला है। ये कॉन्फिडेंस तो मुझे भी है कि आने वाले 2-3 महीने में ही ये शेयर आपको आराम से 700 से 800 के लेवल तो दिखाई देगा। मार्केट नॉर्मल रहा तो और तेज भागा तो आप 900 के ऊपर भी क्रॉस कर सकता है। जहाँ तक सवाल है कि जो रिस्पेक्ट कर रहा है अपना 550 से 600 के रेंज में घूम रहा है अदानी व्यूमर का शेयर, तो ये पॉजिटिव बात है, क्योंकि जैसे ही 2-4 दिन ऐसे ही घूमेगा और मार्केट अगर एक भी दिन अगर पॉजिटिव अच्छे से आ गया तो डायरेक्ट अपर सर्किट लगना इसमें तय है। देखते हैं कल मार्केट कैसा होता है। कल अगर मार्केट जोर से भागा तो उसमें कल अपर सर्किट भी लग सकता है अदानी व्यूमर में, तो आई वॉन्ट बी सरप्राइज, बट ऑफकोर्स इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट। आज USA मार्केट में क्या हलचल होती है उसके ऊपर भी डिपेंड है। USA मार्केट अगर गिरा तो कल हमें फिर से 540 के लेवल दिखा सकता है, बट इसमें गिरावट के लिए ज़्यादा जगह नहीं है। 500 रुपीज़ तक मैक्स टू मैक्स नीचे जा सकता है अदानी व्यूमर का शेयर, जो कि इसका नेक्स्ट सपोर्ट बन के आता है। काफ़ी लोग कमेंट करके पूछते हैं कि कल ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो काफ़ी न्यूज़ के ऊपर, मार्केट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। तो मैं अभी तो आज तो लग रहा है कि कल बहुत ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए, बट कल अगर मार्केट वीक रहा तो कल थोड़ा नीचे भी जा सकता है। लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है तो अभी आप थोड़े थोड़े शेयर हर गिरावट पे बाय कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए 6 months to 1 year के लिए तो ये शेयर अच्छा ही है, उसमें कोई सोचने वाली या पूछने वाली बात नहीं है। डेफिनेटली इट इज़ अ गुड शेयर, बट जो लोग ज़्यादा रेट में फंसे हुए उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा 2-3 महीने। मार्केट हरदम ही गिरेगा ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ 15 दिन 1 महीने में थोड़ा सा सब सेटल हो जाएंगे सब चीज़ें, तो हो सकता है मार्केट फिर से रॉकेट बने। बट अभी नेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण मार्केट में जो क्यूज़ है, बाकी चीज़ें इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वॉर सिचुएशन है, चाइना लॉकडाउन है, इन कारणों के कारण लोग थोड़ा घबरा रहे हैं और ज़्यादा इसमें बाइंग एग्रेसिवली नहीं कर रहे हैं। बट हमें लॉन्ग टर्म का सोच के रखना है अदानी व्यूमर को पोर्टफोलियो में, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। और काफ़ी अभी व्हीट एक्सपोर्ट भी बैन किया है गवर्नमेंट ने, तो उसका भी फ़ायदा आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि गेहूं की कीमतें कम होगी तो इनके आटे की कीमतें कम होगी, तो अल्टीमेटली इनका वॉल्यूम और सेल भी फिर से बढ़ेगा फॉर्च्यून आटा का। ऐसे ही कोई और पॉजिटिव खबर निकल कर आई तो अदानी व्यूमर का शेयर रॉकेट भी बन सकता है। बट आज फॉर्चुनेटली पॉजिटिव में था, यही हमने खुश होना चाहिए कि आज गिरा नहीं। लेट्स होप कल भी गिरेगा नहीं। आपको क्या लगता है कल ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? बट जहाँ तक मुझे लगता है कल भी थोड़ा सा इसी रेंज में घूमेगा, बहुत ज़्यादा ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। देखते हैं कल क्या होता है। अगर मार्केट कल पॉजिटिव रहा तो ऊपर जाएगा, मार्केट निगेटिव रहा तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी इसमें आ सकती है। व्हाट यू फील प्लीज़ कमेंट, बट ओवरऑल आई एम हैप्पी कि आज नहीं गिरा, यही पॉजिटिव बात है। वेदर यू आर हैप्पी और नॉट प्लीज़ कमेंट एंड टेल। थैंक यू फ्रेंड्स।